चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रश्नावली 4.1 का ये पहला प्रश्न है और इस प्रश्नावली को हमें बड़े अच्छे से समझना होगा, क्योंकि ये प्रश्नावली अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप जो है 8वीं कक्षा, 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, उसके बाद में 11वीं और 12वीं भी ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस प्रश्नावली को आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो अपना पूरा ध्यान जो है केवल इस प्रश्न को समझने में लगाना। आपको प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। अंतिम मतलब ये खाना जो है हमें भरना है। अच्छा, ये पहला खाना है क्रमांक, यानी ये कितने प्रश्न हैं, 11 प्रश्न हैं। उसके बाद में दूसरा है समीकरण, यानी हमें यहाँ पर समीकरण दी हुई है। अब समीकरण क्या होती है पहले इसको समझो। अगर मैंने एक संख्या लिखी यहाँ पर 2, ठीक है, और इधर भी मैंने लिखी 1+1, तो बताओ ये दोनों बराबर है क्या? बिल्कुल ये बराबर है। यहाँ 2 है और यहाँ 1+1, जिसको दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है। जब ये बराबर का निशान किन्हीं दो संख्याओं के बीच में लगता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। अब इसको समझना देखो। अब मैंने यहाँ 2 लिख दिया, फिर इस 1 को मैंने गायब कर दिया, ठीक है, इसको मैंने गायब कर दिया और इसकी जगह मैंने लिख दिया x। फिर यहाँ प्लस का प्लस लिख दिया और यहाँ मैंने 1 लिख दिया। अब मैंने कहा कि बताओ ये x क्या होगा। तो इस x यानी यहाँ पर मैं ऐसी कौन सी संख्या रखूँ कि वो 2 हो जाए। तो आप ठीक से कहेंगे कि यहाँ पर अगर मैं इसमें 1 रख देता हूँ, x की जगह मैंने क्या बनाया, बॉक्स बनाया, इसमें मैं अगर 1 रख देता हूँ तो 1 और 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो आपने x कितना रखा, आपने x जो है वो 1 रखा, ठीक है। इसको हम समीकरण बोलते हैं। तो इसमें हमें जो है, अच्छा अब क्योंकि यहाँ 2 आ गया मेरे पास में, है ना, 1 और 1 जोड़ने पर 2 आ गया, तो इसका मतलब है ये समीकरण संतुष्ट हो गई। x बराबर 1 रखने पर यह समीकरण क्या हो गई, संतुष्ट हो गई, ठीक है। तो ये जो तीसरा खाना है इसमें ये अपन x का मान जो रखेंगे वो बराबर आता है तो संतुष्ट हो जाएगा, और बराबर नहीं आता है तो वो संतुष्ट नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को ध्यान से समझना, कैसे करेंगे देखना। जैसे पहला प्रश्न देखो, पहला है x+3=0। तो मैंने प्रश्न लिखा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, x की जगह खाली डब्बा बनाना है। तो मैंने x की जगह एक खाली डब्बा बनाया, फिर इसके आगे क्या है, प्लस, फिर आगे क्या है, 3, फिर आगे क्या है, बराबर, और फिर है 0। अब ये कह रहा है आपको इस खाली डब्बे में यानी x की जगह कितना रखना है, 3 रखना है। तो आपको x की जगह मुझे यहाँ पर कितना रखना है, 3 रखना है, क्योंकि ये आगे वाली जो बॉक्स है वो हमें कह रहा है x की जगह 3 रखो। तो हमने x की जगह 3 रखा। तो 3 और 3 को जोड़ना है। तो हम जानते हैं कि 2 प्लस की संख्याओं जुड़ती है और चिन्ह भी कैसा आता है, प्लस का आता है। तो ये दोनों प्लस की है तो ये दोनों जुड़ेगी और प्लस का कितना आएगा, 6। अब आप मुझे बताओ इन दोनों को जोड़ने पर 6 आया, फिर बराबर का निशान, फिर 0। बताओ ये दोनों बराबर है क्या, क्या कभी 6 और 0 बराबर हो सकते हैं क्या? तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये जो समीकरण है वो संतुष्ट नहीं है, हमें हाँ या नहीं बताना है। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है समीकरण संतुष्ट, हाँ या ना, तो नहीं, ये समीकरण संतुष्ट नहीं है। अगर हम x की जगह 3 रखेंगे तो समीकरण संतुष्ट नहीं होगी। अच्छा, तो अब क्या कह रहा है ये, दूसरा देखो, ये कह रहा है x+3=0 है ना। अब की बार इसके अंदर x=0 रख के देखो। अच्छा, तो x यानी इसकी जगह मैंने एक खाली डब्बा बनाया, +3=0। अब की बार हमें x कितना रखने का बोल रहा है, ये 0 रखने का बोल रहा है। अच्छा, हम जानते हैं 0 ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है। तो 0 में किसी भी संख्या को जोड़ोगे तो वही संख्या आएगी। तो 0+3 कितना होगा, 3, 3=0। अब बताओ क्या 3 और 0 बराबर है क्या, ये भी बराबर नहीं है। इसका मतलब हम 3 रखेंगे तो भी ये संतुष्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर भी आएगा नहीं। अब तीसरा देखना, तीसरा क्या है अपने पास में,
तो तीसरा भी यही प्रश्न है, x प्लस 3 बराबर 0, लेकिन अब की जो x है उसमें कितना रखना है, माइनस 3 रखना है, तो x की जगह मैं डब्बा बनाऊंगा, फिर प्लस 3 बराबर 0, अब की बार मुझे यहाँ इस x की जगह कितना रखना है, माइनस 3, तो मैं यहाँ माइनस 3 रखूँगा। अब हमें पहला चैप्टर ध्यान से पढ़ा है, उस चैप्टर में क्या था, अगर एक संख्या माइनस की है दूसरी संख्या प्लस की है तो अलग अलग चिन्ह होने पर वो संख्या क्या करेगी, घटेगी, तो घटाओ, 3 में से 3 गया कितना आया, 0, है ना, तो 3 में से 3 गया 0 आया, और ये बराबर, फिर इधर भी 0, क्या 0 0 के बराबर होता है क्या, अब की बार आप कहोगे हाँ बराबर होता है, यानी अगर इस समीकरण में मैं माइनस का 3 रखता हूँ तो ये समीकरण संतुष्ट होती है, इसलिए अब की बार हम लिखेंगे हाँ ये समीकरण संतुष्ट है, है ना। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमें करने हैं। अब देखो चौथा प्रश्न है ना, इन प्रश्नों को देखो समझना बहुत जरूरी है बेटा। चौथा प्रश्न देखना, एक्स माइनस 7 बराबर 1, अच्छा अब की बार मुझे x में कितना रखना है, 7 रखना है, तो x की जगह मैंने खाली डब्बा बनाया, फिर यहाँ माइनस 7 बराबर 1, भाई क्या किया मैंने यहाँ पर, खाली x की जगह डब्बा बनाया, अच्छा इस डब्बे में कितना रखना है अब की बार, तो अब की बार प्लस का 7 रखना है, रख दिया मैंने। अब देखो एक तो है प्लस का 7, दूसरा है माइनस का 7, जब दोनों अलग अलग चिन्ह होता है तो घटता है, तो हम घटाएंगे, 7 में से 7 गया 0, तो ये आ गया 0, फिर बराबर 1, क्या दोनों बराबर है क्या, दोनों बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं का निशान है, ठीक है, ये बराबर का निशान, ये बराबर नहीं का निशान, तो दोनों बराबर नहीं है, जब दोनों बराबर नहीं है तो ये समीकरण इस मान को रखने पर संतुष्ट नहीं होंगी, तो हम कहेंगे नहीं होंगी, ठीक है। ये पहला, ये कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ करते हैं, फिफ्थ देखो, फिफ्थ भी हमारे पास यही है, है ना, एक्स माइनस 7 बराबर 1, फिर अब की बार एक्स मुझे कितना रखना है, 8, तो एक्स की जगह डब्बा बनाओ, फिर माइनस 7 बराबर 1, अब एक्स की जगह मुझे कितना रखना है बेटा, यहाँ देखो 8, है ना, अब 8 तो प्लस का है और 7 माइनस का है, जब 1 प्लस का हो 1 माइनस का हो तो घटता है, तो अब हम घटाएंगे, 8 में से 7 गया तो कितना आया, 1, लेकिन वो 1 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, तो हमें यहाँ पता करना है जो संख्या बड़ी होगी वो निशान आएगा, तो 7 और 8 में से कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, 8 कैसा है, प्लस का है, तो उत्तर भी प्लस में आएगा, तो यहाँ आया प्लस का 1, फिर बराबर इधर भी कितना है, 1, यानी ये दोनों अब बराबर आ गए, तो इसका मतलब ये 8 रखने पर संतुष्ट हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ ये संतुष्ट हो रहा है। अब छठा देखो, सिक्स्थ क्या है, अगला है 5x बराबर 25, 5x बराबर 25, अब इसको ध्यान से समझना, 5 और यहाँ x के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ गुणे का निशान है, किसका निशान है, गुणे का, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 इंटू एक्स की जगह मैं डब्बा बना लेता हूँ, एक्स की जगह मैं डब्बा बना लेता हूँ, बराबर 25, क्या किया मैंने, 5, फिर यहाँ इंटू नहीं था, ऐसे इंटू लिख के नहीं लिखते हैं ना, तो मैंने यहाँ इंटू लगा दिया, जब दो संख्याओं के बीच में कोई भी निशान ना हो तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में इंटू का निशान है, तो मैंने यहाँ इंटू का लगा दिया, एक्स की जगह यहाँ डब्बा बना दिया, फिर बराबर 25, अच्छा डब्बे में कितना रखना है, एक्स की जगह कितना रखना है, कौन सा है, 6 है ना, 0 रखना है, तो मैं यहाँ 0 रखूँगा। अच्छा आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी संख्या को 0 से गुणा कराते हैं तो कितना आता है, 0 आता है, किसी भी संख्या को 0 से गुणा कराऊँगे 0 आ जाएगा, तो इसको मैं 0 से गुणा कराऊँगा 0 आ गया, और इधर कितना है, 25 है, क्या ये दोनों बराबर है क्या, ये दोनों बराबर नहीं हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये 0 अगर इसमें हम रखेंगे तो ये समीकरण संतुष्ट नहीं होगी, तो इसमें भी आएगा नहीं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा, है ना, तो अगर आपको मज़ा आ रहा है तो कमेंट करके बताओ कि मुझे मज़ा आ रहा है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, ठीक है। अब सातवां देखो, सातवां क्या है, अब की बार है 5x बराबर 25 में जो है हमें कितना रखना है, अब की बार 5 रखना है, तो x की जगह मैं क्या करता हूँ, डब्बा बना लेता हूँ और ये 25, तो x में अब मैं कितना डालूँगा, 5 डालूँगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इंटू का निशान है,
तो 5 × 5 = 25। अब 5 का बहाड़ा 5 बार कितना हो गया, 25 × 25 = 25। 25 के बराबर है ना। तो इसका मतलब ये समीकरण अब की बार संतुष्ट हो रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ ये 5 रखेंगे तो ये संतुष्ट होगा। फिर आठवां देखो, आठवां है 5x = 25 है और अब की बार मुझे कितना रखना है, माइनस का 5। किस में रखना है, x में। तो x का डब्बा बना लेते हैं, कितना रखना है x, -5 रखना है। अब देखो 5 × −5, तो एक संख्या जब प्लस की हो और दूसरी संख्या जब माइनस की हो तो प्लस इंटू माइनस हमेशा ध्यान रखना बेटा क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ मैं इसको लिखूँगा 5 × −5 = 25 और 5 × 5 होता है 25, लेकिन ये प्लस का इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है बेटा, माइनस, यानी यह आया माइनस का 25 और इधर कितना है 25। अब आप बताओ क्या दोनों बराबर है क्या, कभी बराबर नहीं होंगे। क्यों, अभी देखो हमने संख्या रेखा पढ़ी थी, संख्या रेखा में इधर जीरो होता है, इस तरफ सारी प्लस की संख्या यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके यहाँ पर प्लस का 25 आएगा, ठीक है। इधर सब एक से लगा कर 24 तक, फिर ये 25, इधर सारी माइनस की संख्या होती है, इधर -1, -2, -3 ऐसे करके इधर आएगा माइनस का 25। अब देखो दोनों बराबर है क्या, दोनों बराबर नहीं है। ये इस तरफ है जीरो से इतना ज़्यादा, ये जीरो से इस तरफ यानी जीरो से इतना कम, तो ये तो बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया, यानी ये पूरा अलग हो गया और ये पूरा अलग हो गया, ये बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, और ये बहुत कम हो गया। तो ये दोनों आपस में बराबर कभी नहीं होंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा और ये बहुत कम, तो बराबर कैसे होगा, बराबर नहीं होगा, है ना। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, इसलिए हम कहेंगे माइनस का 5 रखोगे तो समीकरण संतुष्ट नहीं होगी। अच्छा अब की क्या है देखो, अब के बार है नवा प्रश्न, क्या है, m/3 = 2 और इसमें m मुझे कितना रखना है, माइनस के 6 रखना है, है ना। तो m की जगह मैं डब्बा बना लेता हूँ, m/3 = 2। अच्छा डब्बे में कितना रखना है, माइनस का 6, तो यहाँ माइनस का 6 रखूँगा। इसका मतलब होता है 6 में 3 का भाग देना, 6/3 का मतलब होता है 6 में 3 का भाग देना। भाग दो, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, कितना उत्तर आया, 2। लेकिन जब भी ऊपर माइनस हो और नीचे प्लस हो तो -/+ उत्तर आता है माइनस। ये सारी चीज़ें मैंने जो है दूसरे चैप्टर में बड़े अच्छे ढंग से पढ़ाई हुई है, तो अगर ये चीज़ें समझनी है तो आप दूसरी वीडियो देखो, है ना। तो ये उत्तर किस में आया, ये उत्तर आया -2, ठीक है। तो इसका हम जब भाग देंगे तो उत्तर आएगा -2, फिर = 2। क्या दोनों बराबर है क्या, ये ज़्यादा है ये कम है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे ये समीकरण माइनस के 6 रखने पर संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ उत्तर क्या आएगा, नहीं। ये भी यही है दसवां, m/3 = 2, लेकिन अब की बार यहाँ कितना रखना है, 0 रखना है, तो m की जगह मैं 0 रखूँगा और नीचे है 3 और यहाँ है 2, ठीक है। तो 0/3 हमेशा ध्यान रखना, 0 में हम किसी भी संख्या का भाग देंगे ना तो 0 ही आएगा, याद रखना। 0 का किसी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आता है, 0 में हम किसी संख्या का भाग देते हैं तो भी 0 आता है। तो इसका मतलब जब भी इसमें हम भाग देंगे तो क्या आएगा, 0, और ये आएगा = 2। क्या दोनों बराबर है, नहीं है, इसका मतलब ये संतुष्ट नहीं है। अब के बाद प्लस का 6 रखेंगे, है ना। तो 11वें में देखो क्या करना है अपने को, m/2 = 2, m की जगह डब्बा बना लेते हैं। अच्छा इस डब्बे में अब की बार कितना रखना है, 6 रखना है, लेकिन अब की बार भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 3 है ना, नीचे 3 है, ठीक है। तो अब भाग देंगे तो कितना आएगा, 2, और ये कितना है, 2। अब दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो हम कहेंगे हाँ ये संतुष्ट हो रहा है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है, है ना, ये प्रश्न समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।